पिछले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा था, जैसे ही मैं इस पैनल में पिंक वाले फ्यूज को लगाता हूँ, वैसे ही ये टकला, ये बच्चा जिसके अंदर शैतानी आत्मा है, या ब्लू वाले फ्यूज को निकाल लेता था, उनको हवा में ब्लास्ट कर देता था अपनी शैतानी ताकतों के चलते। और जैसे ही मैं इस पैनल में ब्लू वाले फ्यूज को लगाता था, वो पिंक वाले फ्यूज को निकाल कर उनको हवा में ब्लास्ट कर देता था। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था ये टकला, ये बच्चा जिसके अंदर शैतानी आत्मा है। तो इसी के आगे का गेम प्ले हम लोग करने वाले हैं कि किस तरह से इस टकले से बचकर अपने फ्यूज को हम लोग यहाँ पे पैनल में लगाएंगे और यहाँ पे पावर को सप्लाई कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट गेम प्ले। सबसे पहले नीचे वाले लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए, और घंटी को जरूर बजाएं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट गेम प्ले। तो आप लोग पहले यहाँ पे ये देखो, इसके हाथ में पिंक वाला फ्यूज है और ये हवा में इसने बूम कर दिया। वाह टकले, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड फ्यूज है, तो यहाँ पे हम कितना भी फ्यूज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इस टकले से छुटकारा मुझे पाना पड़ेगा। इस टकले को कहीं ना कहीं मुझे छिपाना पड़ेगा ताकि ये टकला यहाँ पे रहे ही ना। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ब्लू वाला फ्यूज ये निकाला और निकालने के बाद हवा में ब्लास्ट कर दिया। मन तो कर रहा है कि इस टकले को इसी अलमारी में बंद कर दें और हम लोग जाकर अपने फ्यूज को लगाएं। यहाँ पे डोर भी लॉक है, मैंने इसको सोचा क्यों ना इसको रूम से बाहर भेज देते हैं ताकि ये हमारा फ्यूज न चुरा पाए। लेकिन डोर तो लॉक है तो टकला रहेगा हमारे साथ ही। अब इस पर हम चाहे जितनी गुस्सा कर लें, जितनी भी गुस्सा कर लें, लेकिन ये टकला इस रूम से बाहर नहीं जाने वाला है। तो मैंने सोचा टकले को यहीं पे बैठा देते हैं अपने सामने ही, और उसके बाद इस टकले को साथ में लेकर हम लोग फ्यूज को लगाएंगे और देखते हैं तब ये टकला किस तरह से फ्यूज को चुराता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फ्यूज को लगाने वाले हैं और टकला मेरे नीचे यहीं पर है। ओ माय गॉड, गायब हो गया भाई ये भाई टकला इतना 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 कमीना हो गया, मतलब आपको क्या ही बताएं। टकले ने फिर पिंक वाले फ्यूज़ को निकाला और उसको हवा में बूम कर दिया। ओके गाइस, और टकले की हंसी आप लोग सुन ही सकते हो, कितनी कितनी प्यारी हंसी है। मैंने सोचा इस टकले को क्यों ना इस चीज़ की क्वीन दे देते हैं, शायद इससे ये खेले तब ये थोड़ी देर शांत रहे। ओके, लेकिन ये इसको लेता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ अब यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। इस टकले के ऊपर बहुत ज़ोरों से गुस्सा आ रही है और कोई हिंट भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि हम लोग टकले से किस तरह से बच पाएँ। बस मैं यहाँ पे बार बार कभी पिंक वाले कभी ब्लू वाले फ्यूज को लगाता हूँ और वो टकला बार बार फ्यूज को चुराता है, चुराने के बाद हवा में ब्लास्ट कर देता है, वो भी मेरे आँखों के सामने ही। देखो इस तरह से बूम गाइस। वाह टकले, वाह टकले, कितना अच्छा काम कर रहा है ये टकला, कितना अच्छा काम कर रहा है ये टकला। मैंने सोचा क्यों ना चेस की क्वीन को यहाँ पे लगाया जाए, शायद से ये इसको ना चुरा पाए, लेकिन मेरा दिमाग भी भाई मतलब खाली है पूरी तरह से। अभी तो मैं मतलब क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं जाता हूँ ब्लू वाले फ्यूज़ बॉक्स से ब्लू वाले फ्यूज़ को उठाता हूँ और फिर पैनल के पास जाकर उसको वहीं पर लगा देता हूँ जहाँ पर इसको लगना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं ब्लू वाले फ्यूज़ को लगाता हूँ, वो टकला पिंक वाले फ्यूज़ को चुरा लेता है और चुराने के बाद हवा में बूम कर देता है अपनी शैतानी ताकतों से। अब मुझे आ रही थी टकले के ऊपर ज़ोरों से गुस्सा, यहाँ पे इस टकले के साथ करूँ तो करूँ क्या, टकले क्या करूँ तेरे साथ, अभी मैं क्या करूँ इस टकले के साथ। जो है मन कर रहा है कि टकले को उठा के फेंक दें, इस अलमारी में बंद कर दें, या कहीं ना कहीं इसको जल्दी जाके छुपा दें, लेकिन यहाँ पे गेट भी अभी क्लोज है ना, लॉक है, उसको हम लोग अनलॉक तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे इस फ्यूज को लगा पाएंगे, वो भी अच्छे तरीके से। और टकले ने फिर यहाँ पे नीले वाले फ्यूज को चुरा लिया और फिर उसने हवा में बूम कर दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, डोर तो यहाँ पे लॉक है, हम लोग बाहर जा नहीं सकते जब तक इस मिशन को कम्प्लीट नहीं करेंगे तब तक। ओके, मैंने सोचा क्यों ना इस वाली अलमारी में इस टकले को बंद कर दिया जाए, टकला यहाँ पर बंद नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं टकले को। टकले को वहाँ पे मैंने बंद किया लेकिन टकला बाहर आ गया, यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है। फिर मैं आता हूँ इस अलमारी के पास जो है, जो कि एक लॉक पड़ी है, जो कि लॉक पड़ी है, खुलेगी वो भी एक कोड से। अब कोड कहाँ है वो तो मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, क्यों ना इसके अंदर जाया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अब मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना बंद कर चुका था कि मुझे यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, टकला मुझे ही देख रहा है, देखो टकला मुझे ही देख रहा है नीचे से। तो मैं यहाँ पे इस वाले लॉक के पास आता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर घुमाने हैं मुझे, तो वहाँ पे मैंने देखा 17 नंबर लिखा है, 17। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर इसको ला के लगाया जाए, शायद हमारा ये वाला जो कबर्ड है वो अनलॉक हो जाए, लेकिन वो अनलॉक नहीं हुआ, शायद से वो उसका लॉक नहीं है।
यहाँ पे 17 है और इसका कहीं पे और होना चाहिए इसका आगे का 2 डिजिट जो है। तो मैं फिर से आता हूँ बाहर की तरफ, मुझे याद आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 43, तब मुझे समझ में आता है कि 1743 इसका कोड है, पूरी तरह से मुझे ये मालूम पड़ चुका था। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 4 और नीचे वाले में 3, अब शायद से मेरा ये अनलॉक हो जाएगा। लेकिन ये फिर भी अनलॉक नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोड को उल्टा लगाया है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 4 को ऊपर करता हूँ, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 4, कुछ इस तरह से अगर हम लगाएंगे नंबर को चेंज करके, तब शायद से जो है हमारा ये कोड जो है काम कर जाए। ओके, यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ कोड को देखकर, और पहले हम लोग लगाएंगे 4, ओके 4, उसके बाद 3, नंबर को चेंज करना है बस, 3 मैंने यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ पे करना है मुझे 7, और यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। अब देखते हैं क्या मिलने वाला, यहाँ पे इस टकले को डालना है, यहाँ पे इस टकले को डालना है। टकला किधर गया मेरा टकला, चलो आ जाओ टकले, उठो अब तुम बेटा, जाओ गो अहेड, ओके गो टू हेल, गया हो टकला गया। अब यहाँ पे मुझे टकले से छुटकारा मिल चुका है और हम लोग यहाँ पे अब पैनल में ब्लू वाले फ्यूज़ को और पिंक वाले फ्यूज़ को एकदम ईजी यहाँ पे लगा पाएंगे। उसके बाद हमारे पैनल में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी जिससे हम लिफ्ट को ओपन कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, अब हमारा गेट भी ओपन हो जाएगा जो कि लॉक था, आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं यहाँ पैनल के छोटे वाले डोर को क्लोज करता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं हम लोग। कितना आसान था ना, कितना आसान था, मुझे तो समझ में, ये क्या टकला तो जस्ट मेरे सामने ही है, नो एस्केप, सामने लिखा हुआ आ रहा है कि मत जाओ यहाँ से, लेकिन मैं तो जाऊँगा भाई, क्योंकि मुझे निकलना है यहाँ से। ओके, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ, यहाँ पे एक की चाहिए जो कि उसी तरीके की होनी चाहिए, तो मुझे की को ढूंढना पड़ेगा, की कहाँ पे मिलेगी, ये तो लॉक है, इधर तो कुछ नहीं मिलने वाला है अभी। और कहाँ पे होगी की, हो शायद इसी रूम में कहीं पे पड़ी होगी, ये टकला इधर है, टकले से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हर जगह, ओ माय गॉड, चुपके चुपके देख रहा है मुझे टकला। मैं यहाँ पे अपनी लिफ्ट को नीचे बुलाता हूँ और इसमें से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, ये तो टकला हवा में उड़ते हुए आ रहा है, ओ माय गॉड, ये क्या, इतना बड़ा बन गया है टकला भी, अभी मुझे मारने वाला है क्या ये, ओ माय गॉड, यहाँ पे इसने गुड नाइट बोल दिया मुझे मार के। अब मुझे फिर से उठना पड़ेगा और सारे के सारे मिशन को फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलो गाइस, हम लोग उठने के लिए प्रेस करते हैं, प्रेस टू वेक अप। ओके, यहाँ पे गुड नाइट मुझे बोल दिया गया है, इतनी अच्छी रात तो नहीं है जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे गुड नाइट बोला गया है। ओके, उस टकले ने मुझे इस तरह से मारा भाई, इस तरह से मारा, मतलब क्या बताऊँ आपको, अभी यहाँ पे देख रहे हो टकला मेरी तरफ फिर आ रहा है, फिर मुझे यहाँ से बाहर जाना चाहिए शायद से, अगर हमारी लिफ्ट नीचे आ चुकी होगी तो, लेकिन टकले ने मुझे यहाँ पे फिर दोबारा से फिनिश कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, हर एक पार्ट में भाई इतना सस्पेंस है, इतना सस्पेंस है ना, मतलब आपको क्या ही बताऊँ। और ये देखो सामने ही है, जस्ट मेरे सामने ही है, मैं किसी तरफ नहीं जा सकता, किसी का मतलब मैं किसी तरफ नहीं जा सकता भाई। यहाँ पे एक डोर मुझे ओपन मिलता है, मैं सोचता हूँ इस तरफ क्यों भागा जाए, इस तरफ मैं भागता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे ही वो आ रहा है, मुझे पता है वो मेरे पीछे ही आ रहा है, सामने का डोर लॉक है और सामने की भी रखी हुई है, पर मेरा यहाँ पे ध्यान नहीं आता है, फिर भी मैं इसको उठाकर ओपन करता हूँ। और ये देखो आ गया भाई, ये आ गया टकले का बच्चा भाई, परेशान करके रख दिया इसने, फिर वो मेरी तरफ आ रहा है, फिर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब की बात मुझे पता है कि यहाँ से चाबी उठाकर हमको तुरंत ही डोर को ओपन करना है और जल्दी से यहाँ से निकलना है। ओके, यहाँ से मैंने डोर को ओपन किया, अब यहाँ से हम लोग निकलने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो एस्केप, हम तो भागेंगे भाई, हमको निकलना। और ये क्या भाई, इतना बड़ा सस्पेंस, यहाँ पे ढेर सारी की रखी हुई है यहाँ पे, और 2 ही लॉक हैं यहाँ पे। ओके, अभी इसमें से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है सही की को फाइंड आउट करने के लिए, अब यहाँ पे मैं फिर मरने वाला हूँ, मुझे पता है ये टकला मुझे फिर मारने वाला है, अभी टकला जस्ट मेरे पीछे ही आ रहा है और इसने मुझे फिर फिनिश कर दिया, फिर से मुझे इसने गुड नाइट बोल दिया, फिर भी हम यहाँ पे हार नहीं मानने वाले हैं, हम फिर से भागेंगे ठीक उसी रास्ते से, लेकिन इस बार हमारा रास्ता थोड़ा सा आसान होने वाला है क्योंकि इस बार हम वहाँ तक पहुँच चुके थे, थोड़ा आगे तक पहुँच चुके थे, आप लोगों ने देखा ही होगा, और हम लोग फिर उसी रास्ते से चलते हैं। और जस्ट इसके बाद जो है यहाँ पे ढेर सारी की रखी होती है जो कि शायद मेरे किसी काम की नहीं है, इसमें से सिर्फ 2 ही की का मुझे काम है जो कि असली वाली होगी। तो
यहाँ पे इसके ओके एक मैंने ओपन कर लिया, अभी एक बचा है। ओके एक बचा है, अभी ये वाला लगेगा क्या? ये तो नहीं लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि इसकी साइज नहीं है ऐसी। तो ये वाली लगेगी जो कॉर्नर जैसी है, ट्रेंगल जैसी है, तो इससे ओपन होगा ये, मुझे पता था इससे ही ओपन होगा। तो हम लोग फाइनली यहाँ से तो निकल चुके हैं, लेकिन आगे का रास्ता भी देखना पड़ेगा। ये क्या, ये क्या भाई टकला? ओके यहाँ पे मैंने अपनी लिफ्ट को बुला लिया है और लिफ्ट के अंदर हम लोग जा चुके हैं। ओके टकला मुझे देखा, बड़े प्यार से देखा। और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है द एग्जिट। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, डोंट लीव मी अलोन, स्टे हेयर, स्टे फॉर एवर। यहाँ पे हमेशा के लिए रहो और इसे अकेला मत छोड़ो, ऐसा ये बच्चा मुझे बोल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है इस गेम से निकलने का। ओके तो आगे का पार्ट हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, वीडियो में बने रहना हमारे साथ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और ये वाला पार्ट ना उससे कई गुना ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आई होप ये लास्ट पार्ट होगा, ये सबसे लास्ट पार्ट होगा। यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे इस घर से, इस शैतानी घर से हम लोग एग्जिट करेंगे, तो इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। सभी को बाय बाय।